वंडर गर्ल और दिवाली। हम सभी को पता है, हर साल की तरह इस साल भी दिवाली त्योहार के अवसर पर रंगोली कंपटीशन होगा। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। गोलू, तू भी ले रहा है ना हिस्सा? बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ पिंकी, मैं तो ले रहा हूँ कंपटीशन में हिस्सा। गोलू और पिंकी ने एक दूसरे को हाई फाई दिया। इस तरह से पिंकी और गोलू के साथ साथ क्लास के काफी स्टूडेंट्स ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। पिंकी ने दिए के डिजाइन में प्यारी सी रंगोली बनाई। अलग अलग तरह के रंगीन रंगोली से पिंकी ने बहुत ही ज्यादा सुंदर रंगोली सजाई। गोलू ने भी अपने हिसाब से रंगोली बना ही ली। टीचर ने सभी स्टूडेंट्स की रंगोली देखी और रिजल्ट बताया। तो दिवाली त्योहार ध्यान में रखकर बढ़िया रंगोली डिजाइन देखने को मिली और विनर है पिंकी। कांग्रेचुलेशंस पिंकी। पिंकी के लिए सभी बच्चों ने तालियां बजाई। टीचर ने पिंकी को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी थमाई और हैंडशेक किया। तुम्हारी इस बढ़िया दिए वाले डिजाइन पर तुम्हें ये बख्शीश मिलती है। बहुत बढ़िया पिंकी। थैंक यू सो मच मैम। पिंकी जीतने पर खुश हुई। उसे आखिरकार रंगोली कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जो मिला था। लेकिन गोलू बड़ा नाराज हो गया। पिंकी तो चीटिंग कर जाती है, हमेशा अपने सुपर पावर यूज करती है और चीजें उसके लिए आसान हो जाती है। इस बार भी उसने यही किया, इसीलिए तो जीत गई। लेकिन ये तो गलत है ना? गोलू, ये देखो मेरी ट्रॉफी, मम्मी के लिए दिवाली का सरप्राइज है। मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन तुझे क्या हो गया? इतना मुंह फुलाकर क्यों बैठ गया है? बिना बात किए गोलू आगे बढ़ गया। पिंकी गोलू के पीछे पीछे दौड़ने लगी। अरे गोलू रुकना, क्या बात हो गई? पिंकी, मैं जानता हूँ तू चीटिंग करके जीती है। गोलू, मैंने कोई चीटिंग नहीं की है, क्या बोल रहा है? मैं जानता हूँ सुपर पावर से तूने रंगोली बनाई और जीत भी गई। कोई पावर यूज नहीं की, स्कूल में चीटिंग क्यों करूंगी? मुझे रंगोली बनाना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने पूरे लगन से रंगोली बनाई और मेरा प्राइज भी निकल कर आया। इसमें मैंने कोई सुपर पावर यूज नहीं की। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मुझसे बात मत करो। और गोलू पिंकी के सामने से निकल गया। गोलू की बातों से पिंकी बहुत नाराज हो गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था। घर आकर पिंकी ने मम्मी को ट्रॉफी बताई। मम्मी ने खुश होकर पिंकी के गालों पर किस किया। ओहो, कांग्रेचुलेशंस पिंकी बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन पिंकी को फिर से गोलू की बात दिल में आई और वो गोलू के बारे में सोचने लग गई और अचानक उसका चेहरा उतर गया। वो अब भी नाराज हो गई। रंगोली कंपटीशन जीतने के लिए मैं भला सुपर पावर क्यों यूज करूंगी? गोलू, तू भी क्या सोचता है मेरे बारे में? चलो अभी तो दिवाली के लिए चकली और सेब और चिवड़ा भी तो बनाना है। पिंकी मम्मी के साथ चकली बनाने में मदद करने लगी। मम्मा, मुझे बताओ दिवाली में चकली क्यों बनाते हैं और सेब भी चिवड़ा भी तो बनाते हैं, सिर्फ दिवाली पर ही क्यों बनाया जाता है? अरे रुको रुको, बताती हूँ। पिंकी, बच्चे पहले सिर्फ त्योहारों पर मिठाइयाँ और इस तरह की चटपटी चीजें बनाई जाती थी, वरना तो सिर्फ सूखी रोटी और चटनी खाया करते थे। त्योहार मनाने का ये तरीका होता था कि ढेर सारी मिठाइयाँ बनाई जाए, सेब चकली चूड़ा बनाकर सब में बांट कर खाया जाए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो हर दिन मिठाई और सेब बनते रहते हैं। कुछ नई बात नहीं रह गई है, लेकिन त्योहार है,
इसलिए ये सिप बनाना पड़ता है। और मेरी पिंकी को भी तो बहुत पसंद है ये। मम्मी, मैं भी गोलू के साथ बैठकर दिवाली त्योहार मनाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। पिंकी को लगा कि अब गोलू की नाराजगी दूर हो गई होगी और गोलू इन सब बातों को भूल भी गया होगा, इसलिए पिंकी दौड़कर घर से बाहर आई। वो गोलू के आंगन में इंतजार करने लगी। गोलू अपने घर से बाहर निकला, उसने पिंकी को देखा भी, लेकिन अनजान बनते हुए गोलू वापस घर के अंदर चला गया। पिंकी ने आवाज दी, गोलू सुन, मम्मी ने लड्डू बनाए हैं। गोलू को वापस जाता देख पिंकी नाराज हो गई और वापस घर लौट आई। इस तरह से दिन बीतते गए। दिवाली का त्योहार नजदीक आता गया। इसी तरह से एक दिन गोलू अपने घर के बाहर कैंडल और लाइटिंग सजाने में बाहर आया, अपने पापा की मदद करने लगा। तभी वो पिंकी के घर पर देखने लगा। पिंकी ने मम्मी की मदद की, गोलू देखो मैंने भी अच्छी लाइट लगाई है, इस साल तो हमारी गली और भी चमक रही है। इस बार भी गोलू ने पिंकी को अनसुना कर दिया। मम्मी ने इस बात को नोटिस किया। मम्मी ने पूछा, बेटा पिंकी, गोलू से कोई नाराजगी हो गई है क्या? ऐसा लग तो रहा है। अरे नहीं मम्मी, उसने शायद मेरी बात ही नहीं सुनी होगी। पिंकी ने मम्मी को नहीं बताया। देखते ही देखते दिवाली का दिन भी आ गया। मम्मी ने पिंकी के लिए एक प्यारा सा ड्रेस भी लिया। पिंकी बिल्कुल किसी परी की तरह लग रही थी। घर आंगन काफी अच्छी तरह से सजाया गया है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। लेकिन गोलू है कि अपनी धुन में ही पटाखे खेल रहा है। पिंकी गोलू की ओर गई और उससे मनाते हुए कहने लगी, भूल भी जाओ ना, इतना भी क्या नाराज होना, मैंने नहीं की थी चीटिंग, वो बात काफी पुरानी हो गई है, चलो ना मिलकर दिवाली मनाते हैं। नहीं पिंकी, तुम तुम्हारे घर पर पटाखे जलाओ, मैं मेरे घर पर पटाखे जलाता हूँ, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। गोलू अब भी मना कर देता है और वापस घर लौट जाता है और अकेले ही पटाखे जलाने लगता है। तभी उसकी नजर गोलू पर पड़ी। गोलू ने फुलझड़ी समझकर पटाखा अपने हाथों में लिया। फुलझड़ी समझकर गोलू पटाखा हाथ में ही जलाने वाला था, तभी अचानक पिंकी ने अपनी सुपर पावर यूज की और गोलू का हाथ जलते जलते बचाया और पटाखा गोलू के हाथ से छीनकर दूर फेंक दिया। वो धड़ाम करके बजा। गोलू डर गया और उससे बहुत अच्छा लगा कि पिंकी ने उसकी मदद की। गोलू की आंखें भर आई। थैंक यू सो मच पिंकी, तुमने मेरी मदद की एंड आई एम सॉरी, मुझे तुम पर यूं ही शक नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए, आखिरकार हम दोस्त हैं। कोई बात नहीं गोलू, लेकिन तुम मुझसे यूं ही नाराज मत रहो। हाँ पिंकी, एक साथ पटाखे फुलझड़ियाँ चक्री जलाते हैं, बड़ा मजा आएगा। इस तरह गोलू की नाराजगी भी दूर हो गई और पिंकी गोलू के साथ पटाखे छोड़कर दिवाली के मजे लेने लगी। बाद में पिंकी ने गोलू को ढेर सारी मिठाइयाँ भी खिलाई और साथ ही साथ चकली, सेव, चूड़ा भी प्लेट में सजा कर दिया। गोलू ने अपने मुंह में लड्डू भरकर कहा, थैंक यू सो मच पिंकी एंड हैप्पी दिवाली। तभी पिंकी ने तेजी से गोलू के प्लेट में लड्डू रखा। गोलू ने प्लेट में देखा, पिंकी सुपर पावर। पिंकी ने गोलू को देखा और आंख मारी।